गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज प्रमोशन मिक्स। थर्ड एलिमेंट है हमारे पास ये। फर्स्ट में आपने किया था आपका प्रोडक्ट मिक्स, सेकंड में आपने पढ़ा प्राइस मिक्स, थर्ड एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स है आपके पास आपका प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स की बात करते हैं तो ये है क्या, कॉम्बिनेशन है आपके प्रमोशनल टूल्स का, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, यू आर इन्फॉर्मिंग द कस्टमर अबाउट योर प्रोडक्ट एंड यू आर पर्सुएडिंग देम। आप उनको राजी करना चाहते हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट की तरफ। प्रमोशन मिक्स में जब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोशनल टूल्स की, तो कौन कौन से प्रमोशनल टूल हैं। सबसे पहला आता है आपका एडवर्टाइजिंग। देखिए, एडवर्टाइजिंग की जब हम बात करते हैं तो इट्स अ पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। आप पे करते हैं और आप कम्युनिकेट कर रहे हैं अपनी ऑडियंस के साथ। एक तो इतना ध्यान रखिएगा, मोनोलॉग होता है। जैसे टीवी पे आप देखते हैं एड्स वगैरह आते हैं, तो वो मोनोलॉग है, वो डायलॉग नहीं होता है। टीवी से सिर्फ आप सुन सकते हैं, आप उनका फेस एक्सप्रेशन या कितना गुस्सा कर लीजिए आपका, वो गुस्सा करना, फेस एक्सप्रेशंस देना, गेस्चर्स देना, आपके पास आपके उस आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर तक पहुंचेगा ही नहीं जो आपके पास आपका ऐड कर रहा है। तो आपके पास सबसे पहली बात तो ये है आपका पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। आपके पास आपका मोनोलॉग है, वन वे कम्युनिकेशन ही है। इसमें आपके पास क्या करता है आपका मार्केटर, आपके पास एक स्पॉन्सर के थ्रू, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर्स के थ्रू, स्पॉन्सर्स जो होते हैं फाइनेंस करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ये देख लीजिए, आपके पास आपने सुल्तान मूवी देखी होगी, तो कुकरेजा कुकर्स जो थे वो आपके सुल्तान के लिए स्पॉन्सर्स थे, फाइनेंस किया था स्टार्टिंग में उन्होंने, और बदले में अपना जो कुकर वगैरह था वो आपके मार्केटिंग कराया। तो इस तरीके से पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है आपके पास आपका एडवर्टाइजिंग। आप पे कर रहे हैं, स्पॉन्सर्स होते जो आपको हेल्प कर देते हैं फाइनेंशियली चीज़ों में, तो आप क्या करेंगे, पे कर करके अपना ऐड निकाल रहे हैं और अपने कस्टमर को आप अपने एक मास मीडिया कम्युनिकेशन में यूज़ करते हुए मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं एट मास लेवल। यानी कि आपके पास एक ऐसा कम्युनिकेशन टूल आप यूज़ करेंगे जिससे आप एक साथ लार्ज नंबर ऑफ पीपल को कम्युनिकेट कर पाए चीज़ें। तो एडवर्टाइजिंग में आपने कोई भी मीडियम आप यूज़ करें, टीवी, आपके पास आपका FM, आपके पास आपके पब्लिक प्रिंटेड मटेरियल आप यूज़ करके कम्युनिकेट करना चाहते हैं अपने कस्टमर्स को अबाउट योर पर्टिकुलर प्रोडक्ट, वो भी मास लेवल पे, चाहे न्यूज़पेपर का आप यूज़ कीजिए। तो ये तो बात हुई एडवर्टाइजिंग की, इसको आप डिटेल में स्टडी करेंगे 11.2 में। पर्सनल सेलिंग की जब बात आती है तो ये आप इस लेवल से डिलीट हो चुका है। पर्सनल सेलिंग, यहाँ पर्सनल टच नहीं है आपका कस्टमर के साथ, आप उसकी प्रॉब्लम्स, उसका फीडबैक नहीं जान सकते तुरंत। उस कमी को दूर करने के लिए पर्सनल सेलिंग आता है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रहा है आपके सेल्स पर्सन का आपके कस्टमर्स के साथ, प्लस यहाँ पे कोशिश करता है सेल्स पर्सन कि उस सेल को रियल सेल में कन्वर्ट कर दे। इस तरीके से वो आपसे कम्युनिकेशन करेगा, मैम एक बार लिखिए तो सही, सर एक बार देखिए तो सही पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और वो बेच करके अल्टीमेटली आपको मानता ही है। वो अपने टेक्टिक्स यूज करता है पर्सनल सेटिंग में, और अल्टीमेटली आपके पास अपने पर्सनल फीचर्स के चलते वो आपको यहाँ पे हेल्प करता है। तो जो कमी एडवर्टाइजिंग में रही थी, पर्सनल कॉन्टेक्ट नहीं रहता है आपका कस्टमर के साथ, उसको दूर करता है आपका पर्सनल सेटिंग। ये साल सिलेबस से आपका हट चुका है। नेक्स्ट है आपका सेल्स प्रमोशन। देखिए, सेल्स प्रमोशन जो है ये शॉर्ट टर्म प्रमोशनल टूल्स होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए यूज होते हैं आपके पास आपके, जैसे इवेंट्स पे मान लीजिए दिवाली बोनांजा ऑफर है, होली स्पेशल ऑफर्स है, या सेल ऑफर है आपका कोई कि अपना स्टॉक निकालना है तो डिस्काउंट पे दे दिया, कॉम्बो ऑफर दे दिया, क्वांटिटी गिफ्ट दे दिया, बाय वन गेट वन फ्री ऑफर दे दिया, आपके वाउचर्स आपको दे दिए, स्क्रैच कार्ड्स आपको दे दिए, वो सब शॉर्ट टर्म प्रमोशनल टूल्स होते हैं जो आप अवेल कर सकते हैं। सेल्स प्रमोशन आपकी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए है, बट वो आपके सिर्फ और सिर्फ आपके शॉर्ट टर्म के लिए रहता है। उसके बाद बात आती है आपके पास आपकी पब्लिसिटी की। देखिए, पब्लिसिटी जो है वो आप ये मान लीजिए नॉन पेड कम्युनिकेशन टूल है, ये आपके पास एक तरीके से फेवर करने के लिए होता है। आप देखते हैं आपके DID, डांस इंडिया डांस है, सारे गमापा है, इंडियन आइडल है, इस तरीके के जो रियलिटी शोज होते हैं, या आप आपका तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख लीजिए, वो बहुत फेमस शो है आपका टीवी का। तो जब आपके पास कोई मूवी आ रही होती है तो वो मूवी की जो कास्ट है आपके पास, तो आपके जो सेलिब्रिटीज है वो उन शोज पे आते हैं और अपनी मूवी को प्रमोट करते हैं। तब उस केस में वो सब क्या, सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है, पब्लिसिटी कर रहे हैं, पेड फॉर्म नहीं है, वहाँ पे नहीं करना किसी को किसी चीज़ के लिए, बस एक पब्लिसिटी हो जाती है। या मेरा एक फ्रेंड है, वो न्यूज़पेपर में एडिटर है, उसने मेरा आर्टिकल छाप दिया है जस्ट फॉर अ गेस्टर, तो मैंने उसको पे तो किया नहीं, बट उसने मेरी पब्लिसिटी करा दी, उसने मुझे फेमस बनाने में हेल्प करी। तो पब्लिसिटी काइंड ऑफ गेस्टर्स होते हैं, आप इसमें फिल्म वगैरह के एग्जाम्पल आराम से देख सकते हैं। तो पब्लिसिटी में ध्यान रखिएगा, ये नॉन पेड होता है, ये पेड होता है। यहाँ पर्सनल सेलिंग में आपके सेल्स प्रमोशन, सॉरी सेल्स पर्सन के थ्रू चीज़ें होती हैं, और यहाँ शॉर्ट टर्म आपके टूल्स यूज किए जाते हैं, आपके सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स यूज की जाती हैं जो कि आपके सिलेबस से हट चुका है। बट आप उसमें एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान रख सकते हैं, क्वान्टिटी गिफ्ट हैं आपके पास, वाउचर्स आपको दे दिए, बाय वन गेट वन फ्री ऑफर दे दिया, यूजेबल बेनिफिट्स आपको दे दिए, आपके पास कोई ट्रिप का आपको टिकट्स दे दिया कि अगर आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदते हैं तो इसमें आप स्क्रैच कार्ड जीत सकते हैं, या इसमें आप गोवा जाने का 1-2 डे का ट्रिप जीत सकते हैं,
तो वो सारी चीज़ें आपके सेल्स प्रमोशन में आती है कि उस चीज़ से एक्साइटेड होकर के कस्टमर पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदेंगे। आप लोगों को ध्यान हो या नहीं हो, शायद आप बहुत छोटे रहे हो, बीच में लक्स नहीं निकाला था कि गोल्ड पेंडेंट निकलेगा आपकी शॉप के बीच में, तो लोगों ने बहुत सारी वो शॉप्स वगैरह खरीदी हुई थी जस्ट टू गेट दिट पेंडेंट। तो वो शॉर्ट टर्म सेल्स प्रमोशनल टूल्स होते हैं जो कि आपका कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, परसुएट करने के लिए मार्केटर यूज़ करता है। तो आज के लिए हम यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपका फोर्थ एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स स्टडी करेंगे, दैट इज योर प्लेस मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स हो चुका है, प्लेस मिक्स हो चुका है, प्राइस मिक्स हो चुका है। नेक्स्ट वीडियोज में आप स्टडी करेंगे मेरे साथ आपका प्लेस मिक्स, जिसमें से एक सब टॉपिक आपका इस सेकेंड सेशन के लिए डिलीट हुआ है, वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। तब तक के लिए प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, थैंक यू।